दोस्तों आपके पास भी ROG का गेमिंग लैपटॉप है और आप उसमें कुछ अपग्रेड करना चाहते हो बा किसी के वजह से पार्ट्स ख़राब हुआ उसको चेंज कराना चाहते हो, जैसे हार्ड डिस्क, बैटरी और SSD, CPU, फैन व कहीं भी कोई भी पार्ट्स अब ख़राब हो उसको चेंज करना चाहते हो और दोस्तों आप इसके लिए ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हो, तो दोस्तों जो पार्ट्स ख़राब हुआ वह अपग्रेड करना चाहते हो उसको मार्केट से परचेस करके लेके आओ, उसके बाद आप खुद ही आसानी से चेंज करा सकते हो। इसके लिए आपको कोई सर्विस सेंटर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम भी बच जाएगा, पैसा भी बच जाएगा। इसके लिए आपको सिंपली आपका लैपटॉप का बैक साइड कर लीजिए, उसके बाद बैक साइड में जितना सारा स्क्रू है, मैंने पहले से मेरा सारा स्क्रू खोल लिया था, जितना सारा मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ, इस चारों साइड में एक एक करके से जो जितना सारा स्क्रू है एक एक करके सारा स्क्रू ड्राइवर देके खोल लीजिए, और ये बीच में भी एक है उसका भी सारा खोल लीजिए, देख देख के आराम आराम से सारा खोल लीजिए। खोलने के बाद आपके पास ये वाला टूल्स नहीं होगा ऐसे वाला, तो आप ATM कार्ड व कोई हार्ड चीज़ से काम करा सकते हो, माइनस स्क्रू ड्राइवर से भी करा सकते हो, बट उसमें स्क्रैच होने का चांसेस है, ATM कार्ड से परफेक्ट होगा। तो इससे जो दोनों का बीच में लगा कि इसमें आपका हल्का से प्रेस करेंगे ऐसे, मैं दिखा देता हूँ अच्छा से आपको, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ इसको, बट आप आराम से धीरे धीरे करना, आराम आसानी से खुल जाएगा ये। चारों साइड से ये स्लो स्लो प्रेस करते करते इसका लॉक को पूरा रिमूव कर दीजिए धीरे धीरे। रिमूव होने के बाद आप ऐसे आसानी से आपका बैक साइड ओपन हो जाएगा ऐसे। अब इसके बाद आप खुद ही आसानी से आपका बैटरी हो, हार्ड डिस्क हो, या कोई भी SSD हो, बस स्पीकर हो, लैपटॉप का स्पीकर हो, स्पीकर फट गया उसका चेंज कराना है, कोई भी आसानी से आप इसको पार्ट्स को चेंज करा सकते हैं। मैंने सारे पार्ट्स का मार्किंग भी कर दिया, जो पार्ट्स ख़राब है आप उसको आसानी से, जैसे यहाँ पे थोड़ा छोटा सा लॉक है, इसको लॉक को खुलेंगे तो केबल हट जाएगा, केबल हटने के बाद वो पार्ट्स खुल के आप आसानी से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं।